प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो बेटा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी का इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य अच्छा होगा, और यही कामना करता हूँ कि आगे भी आप स्वस्थ रहें बेटा। सबसे पहले बेटा मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं शैलेंद्र कुमार अवस्थी आपको कक्षा 12th के लिए भूगोल विषय आपको यहाँ अध्यापन कराने के लिए उपलब्ध हूँ, कक्षा 12th भूगोल विषय। और जो NCERT के तहत आपके लिए बेटा जो सिलेबस रखा गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ परिचय दे देता हूँ। कक्षा 12th के लिए भूगोल विषय के अंदर आपके लिए दो किताबें रखी गई हैं। कक्षा 12th के लिए भूगोल विषय में आपके लिए दो किताबें रखी गई हैं, जिसमें पहला पार्ट जो है आपका, उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और जो आपके लिए दूसरी किताब रखी गई है उसका नाम है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। देखिए बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, जो आप यहाँ ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं इसको आपको थोड़ा नोटिस भी करना है। आपको एक नोटबुक बनाना है, पेन आपके साथ रखना है। जो भी मैं यहाँ आपको टॉपिक पढ़ाऊँ बेटा, थोड़ा सा उसको आप अपने नोटबुक के अंदर उसको आप नोटिस करें, अपने नोट्स बनाएं आप। मेरा कहने का मतलब अपने नोट्स बना के साथ में चलें आप, थोड़ा ये ध्यान दें। देखिए बेटा, तो पहला जो आपका किताब है भूगोल के अंदर उसका नाम है बेटा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये भूगोल विषय के अंदर आपके लिए पहली यानी कि पार्ट वन पहली जो किताब है आपकी वो उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। दूसरी किताब जो आपके लिए रखी गई है उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। ये दो किताबें जो हैं बेटा आपके लिए 12th क्लास के लिए रखी गई हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एवं भारत के लोग एवं भारत की अर्थव्यवस्था। ये दो किताबें आपके लिए चलने वाली हैं, बाकी प्रैक्टिकल का आकार भी आपके लिए अलग होता है 12th में। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका कुल पूर्णांक जो होता है वह है आपका 100 नंबर के लिए, 100 के लिए आपका पूरा टोटल जो है विषय का पेपर होना होता है आपका। इस 100 में से मैं आपको बता दूं बेटा, थोड़ा जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में ये जानना ज़रूरी होता है कि विषय का पेपर टोटल इतने नंबर का, इसमें से कितने कितने नंबर के कैसे कैसे हमें डिवाइड किया गया है। देखिए बेटा, 56 नंबर का आपका थ्योरी के लिए आपका पेपर होता है 56 नंबर के लिए, 30 नंबर आपके होते हैं बेटा प्रैक्टिकल, क्योंकि भूगोल एक अपने आप में प्रायोगिक विषय है, इसलिए आपके 30 नंबर जो हैं ये प्रैक्टिकल के नंबर्स रखे गए हैं। बाकी 14 नंबर जो हैं आपकी ये आपके विद्यालय परिसर से जाते हैं बेटा, जो आपके सत्रांक के लिए नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ जोर देना आपको थ्योरी के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ आपको जी तोड़ मेहनत करनी है कि कितना अच्छा हम यहाँ से निकाल सकते हैं 56 नंबर के अंदर से। ठीक है, तो देखिए बेटा, आगे चलते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस वाली किताब के अंदर आपके लिए टोटल चैप्टर रखे गए हैं 10। टोटल चैप्टर जो आपके लिए यहाँ मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपका भाग है इसके अंदर आपके लिए टोटल चैप्टर रखे गए हैं 10, यानी कि इकाइयों के अंदर बांटे गए हैं, लेकिन टोटल जो आपको लेसन पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं, 10 लेसन। जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो जो आपकी इकाई फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट के अंदर जो आपका पहला लेसन है उसका नाम ये है बेटा मानव
भूगोल। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इकाई फर्स्ट के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब जो है आपकी, उसके अंदर इकाई फर्स्ट के अंदर जो आपका पहला लेसन है क्या है, मैं आपको दोबारा बता दूं, मानव भूगोल की प्रकृति निकालनी होती है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अच्छा जी, इसके अंदर आगे चलें, इसी किताब के अंदर आगे चलें तो इकाई यहाँ से स्टार्ट होगी बेटा आपकी, अगली सेकेंड, कौन सी होगी, सेकेंड। और सेकेंड के अंदर, इस वाली किताब के अंदर जो दूसरा लेसन आपके लिए रखा गया है उसका नाम है विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं वितरण, ये दूसरे वाले लेसन का आपका नाम है। यानी कि दूसरे वाले लेसन का आपका नाम क्या हुआ, विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं वितरण। यानी कि इस वाले लेसन के अंदर आपको टोटल विश्व की जनसंख्या से संबंधित सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, उनका अध्ययन करना है। चलेंगे अपन, बारी से आएंगे टॉपिक पे यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ बेटा कि आपके लिए कक्षा 12th भूगोल के अंदर आपकी दो किताबें कौन कौन सी आपके लिए चलने वाली हैं। समझ देखिए बेटा, पहली किताब का नाम आपको मैंने बताया मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी किताब का नाम है आपका, सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है भारत के लोग एवं भारत के लोगों की अर्थव्यवस्थाएं, या भारत के अंदर लोग जो हैं कौन कौन सी क्रियाकलापों के अंदर संलग्न पाए जाते हैं, ये वाली किताब का नाम है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा था बेटा कि इस वाली किताब के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, पार्ट वन के अंदर, जैसे भी आपको समझ में आए, तो पार्ट वन के अंदर आपके लिए टोटल जो लेसन रखे गए हैं वो 10 लेसन रखे हुए हैं, को हमें बारी बारी से पढ़ना है। इधर की बात करें बेटा, सेकंड किताब जो है आपकी, सेकंड पार्ट जो है आपका भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इस वाली किताब के अंदर आपके लिए टोटल चैप्टर रखे गए हैं 11, कितने रखे गए हैं 11 चैप्टर, यानी कि टोटल आपके लिए कितने लेसन हो गए, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को अगर जोड़ें तो आपके लिए 21, यानी कि आपके लिए 21 लेसन जो हैं बोर्ड के अंदर भूगोल विषय के अंदर जो है आपको पढ़ने हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका बेटा भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ टोटल आपके लिए 11 लेसन आने वाले हैं, जिसमें से देखें बेटा मैं आपको बता दूं, इकाई फर्स्ट के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत की जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि जी। इसी इकाई के अंदर आपका जो दूसरा लेसन आने वाला है उस दूसरे वाले लेसन का नाम है प्रवास, प्रवास, प्रवास के प्रकार, साथ में प्रवास के कारण, और निकालें तो आगे प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, ये जो है आपका बेटा दूसरा टॉपिक है, दूसरा कहें तो दूसरा लेसन है। प्रवास क्या होता है, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण एवं उसके परिणाम क्या निकल के आते हैं। तो पहला चैप्टर जो है आपका, सेकंड पार्ट जो है आपका भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंदर पहला लेसन क्या है आपका, भारत की जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेटा कि कई लेसन आपके ऐसे रहने वाले हैं जो पार्ट वन के अंदर भी इक्वल हैं और इधर भी कैसे आपके इक्वल हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देके बताऊं, जैसे जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या किसे कहते हैं वो प्रश्न यहाँ भी बनने वाला है पार्ट सेकंड के अंदर, जो आपका पहला लेसन है भारत की जनसंख्या, तो जनसंख्या किसे कहते हैं ये प्रश्न यहाँ भी बनेगा और ये प्रश्न आपका इधर पार्ट वन जो आपका भूगोल विषय का पहला पार्ट है इसके अंदर एक लेसन आया हुआ है विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं वितरण, तो ये प्रश्न यहाँ भी बनने वाला है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा एज एग्जांपल कि जनसंख्या की परिभाषा होती है कि किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है, तो ये परिभाषा यहाँ भी यही रहेगी, समझ में आ गया, जनसंख्या की जो परिभाषा मैंने आपको बताई वो यहाँ भी यही रहेगी और इधर जब अपन इसका अध्यापन अध्ययन करेंगे तो यहाँ भी ये परिभाषा यही रहेगी,
समझ में आया? तो जनसंख्या की परिभाषा बदलने वाली नहीं है। जैसे यहाँ आ गया लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो यहाँ भी प्रश्न बनेगा लिंगानुपात किसे कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, जैसे यहाँ प्रश्न बन गया जनघनत्व से आपका क्या अभिप्राय है, बन गया प्रश्न। तो ऐसे ही यहाँ इस वाले लेसन के अंदर भी प्रश्न बनेगा कि जनघनत्व से आपका क्या अभिप्राय है, परिभाषाएं चेंज होने वाली नहीं है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ प्रश्न बन गया आपका, जैसे यहाँ प्रश्न बन गया आपका कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए, बन गया जी प्रश्न। ठीक है, थोड़ा नोटिस करना, ठीक है, थोड़ा शांति से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, आपको समझ में आएगा आराम से, है ना। तो मैंने क्या प्रश्न बनाया आपके लिए अगला, कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए। तो यहाँ जो ये प्रश्न रहेगा, यहाँ पे भी यही प्रश्न रहेगा, समझ में आ गया। बस थोड़े आंकड़े बदल जाते हैं, यहाँ हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या, और यहाँ पढ़ेंगे अपन बेटा किसकी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या। जैसे मैं आपको कहूँ जनघनत्व ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करने का, जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए, बन गया प्रश्न। तो ऐसे ही यहाँ भी बनेगा जनघनत्व ज्ञात करने का क्या बतलाइए, सूत्र बतलाइए, बन गया प्रश्न। तो इसका आंसर जैसे मैं थोड़ा चलते चलते आपको बता दूँ, हालांकि डीपली पढ़ेंगे अपन सारे टॉपिक, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपन डीपली पढ़ेंगे, गहराई से इनका अध्ययन करेंगे, बारी बारी से आएंगे अपन, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा था आपको कि ये सिलेबस आपका रखा हुआ है, इन इकाइयों में इन्हें बांटा गया है, ये टॉपिक्स जो हैं आपको आने वाले हैं कक्षा 12th भूगोल के लिए। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं ना, प्रवास प्रकार, प्रवास के कारण, प्रवास के परिणाम। ठीक है जी, उसके बाद में इसी इकाई फर्स्ट के अंदर यहाँ तीसरा लेसन जो आपका आने वाला है उसका नाम है बेटा मानव विकास। क्या आएगा जी, मानव विकास। ठीक है, इकाई फर्स्ट के अंदर ये तीन लेसन रखे गए हैं, इकाई फर्स्ट के अंदर ये तीन लेसन रखे गए हैं जिनको मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। इसमें पहले लेसन का नाम है भारत की जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि, दूसरे वाले लेसन का नाम जो रखा गया है प्रवास प्रकार कारण और उनके परिणाम, प्रवास के परिणाम। तीसरा वाला जो आपका लेसन है इस इकाई के अंदर उसका नाम है मानव विकास। जी आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलेंगे तो आपका स्टार्ट होता है इकाई सेकंड, और इकाई सेकंड के अंदर भी यहाँ आगे निकालें तो जो चैप्टर रखा हुआ है, जो लेसन आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है मानव अधिवास, कह दीजिए मानव, क्या कह दीजिए, अधिवास कह दीजिए, या मानव जो है आप कह दीजिए बस्तियाँ, क्या कह दीजिए, मानव बस्तियाँ। ये जो है आपका अगला चौथे नंबर का जो आपका चैप्टर है वो आने वाला है, बस इकाइयों में जो है इनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है, समझ में आ गया। तो इधर जो आपकी ये किताब है बेटा आपकी सेकंड जो ज्योग्राफी है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंदर आपके टोटल चैप्टर कितने आने वाले हैं, 11। इसके लिए आपको थोड़ा सा और बता दूँ, आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगा ब्लैक बोर्ड की तरफ, कि यहाँ जो आपकी पहली किताब है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसके अंदर भी आपके लिए टोटल जो लेसन रखे गए हैं कितने रखे गए हैं, 10। ठीक है, जिनका हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो पैटर्न मैं आपको बताई दिया, टोटल जो है आपका 56। ये आपका बोर्ड के अंदर थ्योरी वाला पेपर होता है 56 नंबर के लिए, उसके बाद में 30 नंबर जो होता है आपका प्रैक्टिकल का होता है, भूगोल बताया आपको, भूगोल जो होता है एक प्राइवेट विषय है जिसके अंदर 30 नंबर के लिए आपका प्रैक्टिकल जो होता है। उसके अलावा आपके यहाँ विद्यालय परिसर से मैंने आपको बताया बेटा कितने जाते हैं, 14-17 अंक के लिए जाते हैं टोटल। यहाँ आपका भूगोल विषय जो है उसका कुल पूर्णांक हो जाता है आपका 100, कितना जाता है 100। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने आपको एक नॉर्मल बताया था आपको सिलेबस के बारे में, कि कक्षा 12th भूगोल के लिए जो आपकी जो किताबें चलने वाली हैं, जो आपको पढ़ना है, दो किताबें आपकी रहेंगी बेटा, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ मैं, दो किताबें जो आपकी रहेंगी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ओके, दूसरा रहेगा आपका भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपका मैंने बताया मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो वाली आपकी पार्ट है, किताब है, इसके अंदर आपके टोटल लेसन आने वाले हैं 10। इधर निकाले बेटा आगे भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इस वाली किताब के अंदर आपके टोटल लेसन आएंगे 11। कितने आएंगे, 11। इस वाली किताब के अंदर जैसे मैंने आपको बताया इकाई फर्स्ट इकाइयों में बांट दिया गया सिलेबस, यानी कि कहें तो किताब को भी आगे इकाइयों में बांट दिया गया है, इकाई फर्स्ट के अंदर इस वाली किताब में, ठीक है, इकाई फर्स्ट के अंदर पहला लेसन है आपका भारत की जनसंख्या घनत्व वृद्धि, ये टॉपिक जो है आपका पहला पार्ट है। दूसरा है बेटा इसी किताब के अंदर आपका जो दूसरा पार्ट रखा गया है, लेसन रखा गया है, उसका नाम है प्रवास प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम। तीसरा लेसन जो रखा गया है मानव अधिवास,
अधिवास का मतलब मानव अपने रहने के लिए जो भी बनाता है, आवास बनाता है, उसे ही मानव अधिवास कहा जाता है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते कहीं ना कहीं, कहें तो बेटा जैसे उसे वातावरण से बचने के लिए, जलवायु से बचने के लिए, कहीं तो तीव्र जो गर्मियों के अंदर जो प्रचंड लू चलती हैं इनसे बचने के लिए, अपने पालतू पशुओं को बचाने के लिए, अपने भोजन को स्वस्थ रखने के लिए कहीं ना कहीं एक आवास की ज़रूरत होती है, जिसे कहा जाता है अधिवास। ठीक है, इसके बाद में आप देखें बेटा मानव अधिवास को ही हम क्या कह सकते हैं, मानव बस्तियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी कि ये किताबें आपके चलने वाली हैं और ये टॉपिक्स जो हैं आपको अंदर जो हैं इन किताबों में आपको आने वाले हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से आगे आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि हम भूगोल विषय पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं उस विषय के पितामह कौन हैं, जनक कौन हैं, समझ में आ गया। तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हम भूगोल विषय पढ़ने तो जा रहे हैं, स्टार्ट तो कर दिया हमने, तो भूगोल विषय के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ आपको, आपकी बुक्स स्टार्ट करने से पहले भूगोल विषय के बारे में थोड़ा सा भूगोल के संदर्भ में भूगोल का सामान्य परिचय, ठीक है जी। तो देखिए बेटा, भूगोल और भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कौन से भाषा से? ग्रीक भाषा, यानी कि भूगोल जो है बेटा कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे चलकर भूगोल को निकालें, जिसको अगर इसका इंग्लिश अनुवाद निकालें तो भूगोल को कहते हैं GEOGRAPHY, ज्योग्राफी, ठीक है जी। इंग्लिश रूपांतरण भूगोल का हो गया ज्योग्राफी, ठीक है सब, ध्यान दें। तो भूगोल का इंग्लिश रूपांतरण ज्योग्राफी, भूगोल जो है ग्रीक भाषा का बना हुआ शब्द है। आगे निकालें तो ग्रीक भाषा के भी दो शब्दों से मिलकर, है ना, भूगोल जो है ग्रीक भाषा के भी कितने शब्दों से? दो शब्दों से, जियो प्लस GRAPHY, यानी कि इसी ज्योग्राफी का हमने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसी का हमने संधि विच्छेद कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो भूगोल जो बेटा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, दो शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड तेज़ है, मैं थोड़ा स्लो कर लूँगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोबारा से स्टार्ट करें, भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ, जिसमें किसका अर्थ, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है भाई, पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, क्या होता है, वर्णन करना, वर्णन करना कह दीजिए, या मैं यहाँ निकालें आगे तो कह सकते हैं अध्ययन करना, क्या करना भाई, अध्ययन करना जी। दोबारा से आपको क्लियर करते हैं, भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है जी, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना, ठीक है जी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का निष्कर्ष क्या निकला, भूगोल का एक अपन अंत में एक परिभाषा बनाए तो क्या बनी, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नोटबुक अपने साथ रखें, नोटबुक और एक पेन आप अपने साथ रखें, जो भी टॉपिक आपको यहाँ यूट्यूब चैनल या वीडियो के माध्यम से, आपको जो भी टॉपिक यहाँ 12th क्लास के लिए स्टार्ट किया गया है, टॉपिक को आप जो हैं अपने नोटबुक के अंदर आप नोटिस करें, कंटिन्यू नोटिस करें, आप अपनी तरफ से भी नोट्स बनाएं, ये आपको अच्छा लगे तो आप ये ऐसे कीजिए, या फिर जो आपका वीडियो यहाँ चला हुआ है टॉपिक के लिए स्क्रीनशॉट्स आप समय से लेते रहें, स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए, लेकिन आपको ये सारा टॉपिक जो आपका चला हुआ है आपको नोटिस करना है। अरे बच्चों सच में आया, चलें आगे। तो मैं भूगोल विषय के बारे में आपको थोड़ा परिचय दे रहा था बेटा कि भूगोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी जैसा कि आ गया ना, जियो प्लस ग्राफी जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना।
तो निष्कर्ष के तौर पर, किसके तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर भूगोल की परिभाषा क्या बनी कि पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि भैया जैसे हमको भी अगर कोई जानता है या पहचानता है तो काई की लोकेशन से पहचानता है भाई, इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, समझ में आ गया। आपको भी अगर कोई जानेगा पहचानेगा तो आपके माता पिता के नाम की वजह से। तो यहाँ भी हमको ये जानना ज़रूरी है बेटा कि भूगोल जो है इसको हमने पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया, जैसे नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये हमें निकालना पड़ेगा कि भूगोल जो विषय हम पढ़ रहे हैं इस भूगोल के जनक कौन है, पिता में कौन है, ठीक है। तो देखिए बेटा, भूगोल, भूगोल और भूगोल की जनक, भूगोल की जनक या कह सकते हैं भूगोल के पिता में है कौन है, तो यहां हम निकालेंगे हेकेटियस। उनका नाम क्या आने वाला है, हेकेटियस। ध्यान देना और ध्यान रखना भी पड़ेगा आपको, है ना, कि भूगोल विषय के जनक कौन है, हेकेटियस। कौन है जी, हेकेटियस। जैसे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, कौटिल्य, चाणक्य, इन्हीं को कहते हैं विष्णुगुप्त। तो हर विषय के कहीं ना कहीं अपने क्या निकल के आते हैं, जनक निकल कर आते हैं, तो इसलिए भूगोल के भी हमने यहाँ आपको जनक निकाल के रख दिए जिनका नाम है हेकेटियस। याद रखिएगा भूगोल विषय के जनक बराबर कौन है, हेकेटियस, ठीक है। आगे देखिए अगला ऑप्शन, व्यवस्थित भूगोल के जनक, किसके जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं, तो यहां आंसर आने वाला है इरेटोस्तनीज, जो कि हैं साड्रेन से, ठीक है जी। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहा कि भूगोल विषय के जनक या पिता में कौन है, हेकेटियस। उसके बाद में आपको अगला प्रश्न बताया, भूगोल के बारे में हम थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, और जानना जरूरी होता है क्योंकि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा आधार क्या है, बेसिक क्या है, ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वही टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भूगोल, भूगोल के जनक या पिता में बराबर है हेकेटियस। इसी भूगोल के अंदर जब बात आती है बेटा व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो कौन आएगा, इरेटोस्तनीज। कौन आएगा भाई, इरेटोस्तनीज, जो कि साड्रेन से हैं, ठीक है जी। आगे देखें, भूगोल पर अगर बात की जाए कि प्रथम पुस्तक कौन सी है, भूगोल पर प्रथम पुस्तक, ज्योग्राफिया। तो भूगोल पर जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है, ज्योग्राफिया, जो भी किनके माध्यम से लिखी गई है, या कहें तो इरेटोस्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफिया, ठीक है। थोड़ा समझना कि भूगोल विषय पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफिया। ये किनकी पुस्तक है, इरेटोस्तनीज की, इरेटोस्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफिया, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिए 19वीं सदी में, कौन सी सदी में, 19वीं सदी में भूगोल को, 19वीं सदी में भूगोल को एक, याद रखिएगा, स्वतंत्र, स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। क्या मिली भाई, मान्यता मिली, ठीक है। ये भी आपको नोटिस करना है, आपको अगला 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 जो टॉपिक आपको क्या नोटिस करना है कि 19वीं सदी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या मिली, मान्यता मिली, ठीक है जी। इससे पहले वाला प्रश्न क्या था कि भूगोल पर प्रथम पुस्तक कौन सी है, ज्योग्राफिया। कौन सी है, ज्योग्राफिया, ठीक है। यहां तक आपने नोटिस कर लिया, आगे चलते हैं थोड़ा सा और, है ना। देखिए, तो भूगोल विषय के जनक कौन है, यह आपको मैंने बताई दिया, एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं, हेकेटियस। कौन है जी, हेकेटियस, ठीक है। आगे देखिए बेटा, व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल के जनक बराबर यहां आपको निकालना है इरेटोस्तनीज,
साठ रेंज से, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है आपका, यहाँ बता रहा हूँ आपको मैं, आधुनिक भूगोल की, आधुनिक भूगोल के जनक और आधुनिक भूगोल के जनक बराबर हैं एलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, जो कि हैं जर्मनी से। कहाँ से हैं? जर्मनी से। भूगोल के जनक हेकेटियस, व्यवस्थित भूगोल के जनक एरेटोस्थनीज साड्रेन से। थोड़ा पहले बताया था मैंने आपको कि एरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया, जो कि भूगोल विषय पर प्रथम पुस्तक मानी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद में व्यवस्थित भूगोल के बाद में अगला प्रश्न आपका निकल के आता है, या जो आप नॉर्मल जानकारी निकालना चाहें भूगोल विषय के बारे में, तो उसमें आता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं, आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। तो यहाँ मैंने आपको नाम क्लियर किया है बेटा, क्या निकलेगा? एलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से, ठीक है जी। आगे देखिए बेटा, सर्वप्रथम मापक के आधार पर, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा चित्र, विश्व का रेखा चित्र किसने बनाया जी? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा मानचित्र किसने बनाया? एनेक्जीमेंडर। तो यहां आंसर क्या आने वाला है? एनेक्जीमेंडर। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा मानचित्र किन्होंने बनाया या किसके द्वारा बनाया गया, तो वहां आपका आंसर आने वाला है एनेक्जीमेंडर, ठीक है। क्लियर हुआ? प्रश्नों को बारी बारी से ध्यान दें ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता, भूगोल के बारे में अगला प्रश्न, ठीक है। तो यहां हमें निकालना होगा मार्टिन वहम। तो विश्व ग्लोब का निर्माता किने किने कहा जाता है? मार्टिन वहम को कहा जाता है जी। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे प्राचीनतम, संसार का सबसे प्राचीनतम मानचित्र बराबर, यहां निकालना है हमें, क्या निकालना है? बेबीलोन। क्या निकालना है भाई? बेबीलोन। तो देखिए बेटा, मैं कह रहा था ना आपको कि मैं भूगोल के बारे में आपको एक सामान्य परिचय, भूगोल की जड़ जिसे कहा जाता है, जिनका अध्ययन करना हमें अवश्य होता है, कौन सी विषय लेने से पहले? भूगोल विषय लेने से पहले। तो हमने जब भूगोल विषय को ले ही रखा है, इसका अध्ययन हमें करना ही है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि भूगोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो प्लस ग्राफी, जियो का अर्थ निकाले तो क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ निकाले तो क्या होता है? वर्णन करना या अध्ययन करना। तो निष्कर्ष के तौर पर भूगोल की परिभाषा क्या हुई? क्या हुई? बताया था मैंने आपको क्या हुई कि पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो कौन है? एरेटोस्थनीज साड्रेन से। उसके बाद में मैंने आपको बताया बेटा, ध्यान दीजिए कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो कौन है? एलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जर्मनी से। उसके बाद में मैंने आपको अगला प्रश्न बताया कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा चित्र किसने बनाया, मापक के आधार पर वर्ल्ड का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया, ठीक है? एनेक्जीमेंडर। किन्होंने बनाया? एनेक्जीमेंडर। उसके बाद आगे चलिए, विश्व ग्लोब का निर्माता किन्हें कहा जाता है? मार्टिन बहम को कहा जाता है, लिख दिया मैंने आपको यहाँ ना, मार्टिन बहम, ठीक है जी। उसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको बताया कि संसार का सबसे प्राचीनतम मानचित्र किसका है? बेबीलोन का, ठीक है।
आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। नोटिस करना आप इनको बारी बारी से, है ना, जो भी आपने नोटबुक बनाया हुआ है अपने अपना पेन लेते हुए, इन सारे प्रश्नों को जो भी मैंने आपको भूगोल विषय के बारे में बताया है जिसका सामान्य परिचय अपन लेके चल रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को आप अपने अपने जो बेटा नोटबुक है उसके अंदर नोटिस करते रहिए बराबर, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत का रेखाचित्र, सर्वप्रथम भारत का रेखाचित्र किसने और कब बनाया? तो इसका आंसर रहेगा 1752 ईस्वी में एनविले, नाम याद रखिएगा, सबसे पहले भारत का रेखा मानचित्र बनाने वाले विद्वान का नाम क्या है? एनविले, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको प्रश्न क्लियर किया, सर्वप्रथम भारत का रेखा मानचित्र किसने और कब बनाया, तो इसके लिए आप निकालेंगे बेटा एनविले, जिन्होंने 1752 ईस्वी में, कब 1752 ईस्वी में भारत का रेखा मानचित्र जो है सबसे पहले तैयार किया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको यूं कहूं कि सबसे पहले भारत को, किसको? भारत को, ठीक है, विश्व के रेखा मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया, किसने क्या किया भाई, किसने दर्शाया, बन गया प्रश्न, ठीक है। थोड़ा ये नॉर्मल कॉमन सेंस के प्रश्न है बेटा, भूगोल के बारे में वो हमें थोड़ा याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में अपन जो है ऑटोमेटिकली अपने टॉपिक पर आने वाले हैं थोड़ा सा, पर मैं थोड़ा आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि भूगोल के विषय में या भूगोल विषय को पढ़ने से पहले हमें इन प्रश्नों को भी थोड़ा बेसिक तौर पर जान लेना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम भारत का रेखा मानचित्र कब और किसने बनाया, उसका आंसर रहेगा 1752 ईस्वी में किसने बनाया, एनविले ने, ठीक है जी। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या बताया मैंने आपको कि भारत को विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा टॉलमी, याद रखना आंसर क्या आएगा, टॉलमी, ठीक है जी, आंसर क्या आने वाला है, टॉलमी। टॉलमी वो विद्वान थे जिन्होंने भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर क्या किया, अंकित किया, समझ में आ गया। तो भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले कौन थे, टॉलमी, कौन थे भाई, टॉलमी जी। आगे देखिए बेटा ना, अब बात आती है कि परंपरा के आधार पर, किसके आधार पर, परंपरा के आधार पर भूगोल विषय को, दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। भूगोल विषय को परंपरा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या कि भूगोल विषय को परंपरा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं, वो भी देखिए बेटा आ गया ना। तो भूगोल विषय के दो भाग, इसमें पहला भूगोल विषय को बांटा गया है आएगा मानव भूगोल, क्या आ गया भाई, मानव भूगोल, ठीक है, और दूसरा जो भूगोल की शाखा बनती है उसका नाम है भौतिक भूगोल, क्या बनेगा भाई, भौतिक भूगोल, ये लो साहब। तो मोटे तौर पर भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है जी, यानी कि भूगोल विषय को परंपरा के आधार पर दो शाखाओं में बांटा गया है, दो प्रधान शाखाएं भूगोल की। तो पहली शाखा का नाम क्या है, मानव भूगोल, दूसरी शाखा का नाम क्या है, भौतिक भूगोल, ठीक है जी। दोनों ही शाखाओं के अंदर अलग अलग तत्वों का, अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मैं कहूं बेटा आपको मानव भूगोल, ठीक है, तो मानव भूगोल के अंदर किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसको ज्ञात करने से पहले, उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें यह निकालना है
कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं। कई बार बोर्ड के अंदर प्रश्न आया हुआ है, कई बार ट्वेल्थ ज्योग्राफी के लिए बोर्ड के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं। आंसर आने वाला है फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है जी, फ्रेडरिक रेटजेल, ये भी कहाँ से हैं? जर्मनी से। ठीक है, कभी कभी बोर्ड के अंदर प्रश्न आ जाता है और आया भी है। आप विगत वर्षों की आप जब प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न चमक जाएगा। क्या चमकने वाला है? कि मैं आपको कहूँ बेटा कि मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का क्या बतलाइए नाम? बतलाइए, मतलब बोर्ड में प्रश्न कैसे भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमाने की बात हो तो कैसे आएगा कि पुस्तक का नाम रख देगा आपको आगे। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक जो है उसका नाम रख देगा आपको और कहेगा कि इसके रचयिता कौन है या यह कृति किसकी है, समझ में आ गया, या इसके जनक कौन है, समझ में आ गया। तो जैसे देखिए बेटा, मैं आपको बताया कि मानव भूगोल और मानव भूगोल के जनक हैं, पहले यहाँ निकाल लेते हैं अपन, फ्रेडरिक रेटजेल, ये मानव भूगोल के कौन हो गए? जनक हो गए। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम याद रखना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। तो फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, लिखा हुआ है मैंने आपको, है ना, देख लेना आप यहाँ से, है ना, और थोड़ा सिस्टम से उतारना साफ साफ आराम से, है ना, कि पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि भूगोल की दो शाखाएँ हैं, दो प्रधान शाखाएँ हैं, मानव भूगोल, एक शाखा तो कौन सी बनी बेटा? मानव भूगोल। दूसरी शाखा कौन सी बन के आई? भौतिक भूगोल। यानी कि भूगोल विषय को दो प्रधान शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें पहली का नाम मानव भूगोल और दूसरे का नाम भौतिक भूगोल। जी, थोड़ा मैंने बताया था ना कि जैसे भूगोल का हमने जनक निकाला हेकेटियस, तो ऐसे ही मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और यहाँ बोर्ड में प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है ना, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, कि फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम है। बोर्ड के अंदर थोड़ा सा आपको घुमाने वाली बात हो तो मैंने आपको बताया कैसे घुमा देता है प्रश्न को एग्जामिनर, कैसे घुमा देता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी यह कृति किसकी है या इस पुस्तक की रचयिता कौन है। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है? वही रहेगा, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है साहब, अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलिए, है ना, तो आगे चलते हुए हमें निकालना है कि मानव भूगोल के अंदर, मानव भूगोल के अंदर मानव के क्रियाकलापों का, मानव के किन का भाई, मानव के क्रियाकलापों का कहें तो क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, समझ में आ गया। यानी कि मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करने के लिए केंद्र में किसे रखा जाता है? स्वयं मानव को। किसको? स्वयं मानव को केंद्र में अध्ययन करने के लिए रखा जाता है। किसके अंदर? मानव भूगोल के अंदर। ठीक है, तो मानव भूगोल के अंदर अधिकांशतः मानव को केंद्र में रखकर मानव के जितने भी बराबर क्या है, क्रियाकलाप है, समझ में आ गया, उन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें, मानव भूगोल की अगर यहाँ थोड़ा सा हमें और टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो ये भी आप याद रख लेना बेटा, जरूरी होता है कि मानव भूगोल की उपशाखाएं बतलाइए, कोई दो, कोई तीन या कोई चार। ठीक है, देखिए, तो उपशाखा पहला बराबर बन गया सांस्कृतिक भूगोल। मानव भूगोल की पहली शाखा बराबर बन गई, क्या बन गई? सांस्कृतिक भूगोल। दूसरी शाखा बन जाती है मानव भूगोल की राजनीतिक भूगोल, कौन सी बन गई? राजनीतिक भूगोल। ठीक है, अगली शाखा निकालें तो बन जाता है यहाँ जनसंख्या भूगोल, क्या बन गया? जनसंख्या भूगोल। ठीक है, और अगली शाखा निकालें, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, अगली शाखा निकालें तो बन गया अधिवास भूगोल, कौन सा भूगोल? अधिवास भूगोल। और अगली उपशाखा निकालें तो यहाँ बन जाता है कौन सा भूगोल? जनसंख्या भूगोल। ठीक है, देखिए, पुस्तक का नाम तक हम पहले क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद में मानव के क्रियाकलापों का मानव भूगोल के अंदर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बेटा, मानव भूगोल की उपशाखाएं, ठीक है, उपशाखाएं, यानी मानव भूगोल को भी आगे चलकर बांटा गया है अंदर।
मानव भूगोल को भी आगे चलकर बांटा गया है, निम्न शाखाओं में बांटा गया है जो कहलाती हैं उपशाखाएं। क्या कहलाती हैं? उपशाखाएं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आपको क्या क्या निकल आया, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, इन सभी का क्या कहता है अध्ययन किया जाता है, या ये कहलाती हैं उपशाखाएं। कौन सी भूगोल की? मानव भूगोल की। ठीक है जी, तो मानव भूगोल के जनक बराबर फ्रेडरिक रेटजेल, इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपो जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद में आगे आते हैं अपन भौतिक भूगोल। कहा था ना मैंने आपको कि भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, दो प्रधान शाखाओं में बांटा गया है, मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। ठीक है जी, तो भौतिक भूगोल के भी जनक कौन है, तो यहां भी आप याद रखना, याद रखना ही पड़ेगा आपको। कोई भी अगर आपको पूछे नॉर्मली कि भैया भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो सीधा सीधा निकालना है आपको, क्या निकालना है कि भौतिक भूगोल के जनक बराबर कौन है, पोसिडोनियस। पोसिडोनियस लिखा हुआ है, पोसिडोनियस भौतिक भूगोल के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। तो मानव भूगोल के अंदर मैंने कहा था आपको कि मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना, मानव को अध्ययन करने के लिए केंद्र में रखा जाता है। कौन सी विषय के अंदर? मानव भूगोल के अंदर। तो ऐसे ही भौतिक भूगोल के अंदर भी, ठीक है, देखो बेटा काई काई का अध्ययन किया जाता है, स्थलमंडल काई का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंदर, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल और साथ में याद रखना बेटा काई का जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, तो भौतिक भूगोल के जनक कौन हो गए? पोसिडोनियस। कौन हो गए? पोसिडोनियस। उसके बाद में मैंने कहा था आपको भौतिक भूगोल के अंदर यानी कि अध्ययन किनका किया जाता है, स्थलमंडल का, जलमंडल का, वायुमंडल का और किसका? जैव मंडल का। इन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है भूगोल की कौन सी शाखा के अंदर? भौतिक भूगोल के अंदर। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोसिडोनियस। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि मानव भूगोल, मानव भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, आया था ना, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल और साथ में साथ कौन सा भूगोल? जनसंख्या भूगोल। तो ऐसे ही भौतिक भूगोल की भी यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा उपशाखाएं। क्या बताऊंगा भाई? उपशाखाएं, कि भौतिक भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा बेटा ना, देखिए भूगोल और भूगोल की मैंने आपको बताया था बेटा कि भूगोल को मुख्यतः कितनी शाखाओं में बांटा जाता है, दो प्रधान शाखाओं में बांटा जाता है, जिसमें पहला आ गया मानव भूगोल। कौन सा आ गया भैया? मानव भूगोल जी। उसके बाद में दूसरा जो भूगोल की शाखा बनेगी यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, का नाम निकल के आएगा भौतिक भूगोल। क्या बनेगा भैया? भौतिक भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। इनकी पुस्तक का नाम, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपो जियोग्राफी। ध्यान रखना आगे तक के लिए आपको ये प्रश्न याद रखना है, मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इसके अलावा फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपो जियोग्राफी। क्योंकि बोर्ड के अंदर कई बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको गौर फरमाना है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा आगे चलते हैं, तो भूगोल की, मानव भूगोल की यहाँ हमने निकाली थी पहले उपशाखाएँ। क्या निकाली थी भाई? उपशाखाएँ। ठीक है, उपशाखाओं में जैसे हमने निकाला सांस्कृतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, इसके अलावा आगे निकालेंगे तो बन गया अपना कौन सा भूगोल? राजनीतिक भूगोल।
इसके बाद में आगे निकालें तो बन जाता है अपना बेटा अगला अधिवास भूगोल। कौन सा बन जाता है? अधिवास भूगोल। हर विषय के अंदर अलग अलग तत्वों का अलग अलग तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आगे निकालें तो बन जाता है बेटा इसके अंदर आर्थिक भूगोल। उपशाखाएं हैं, ये क्या है भाई? उपशाखाएं। उसके बाद में आगे निकालें तो निकल के आता है जनसंख्या भूगोल। कौन सा आता है भाई? जनसंख्या भूगोल। ये जो है आपकी, यहाँ तक याद रखना आप, ये जो है आपकी भूगोल और मानव भूगोल, और मानव भूगोल की बराबर क्या है? उपशाखाएं। मानव भूगोल के अंदर काई का अध्ययन किया जाता है, मैंने बताया था आपको। किसका अध्ययन किया जाता है? कि मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करने के लिए केंद्र में किसको रखा जाता है? मानव को रखा जाता है। मानव के जितने भी बराबर क्या होते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। मानव जिन 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 प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न पाया जाता है, उन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आपको एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मानव जो होता है कितने प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न पाया जाता है, ठीक है? जिसमें जैसे कि बेटा आता है आपका प्राथमिक व्यवसाय, आता है जैसे आपका द्वितीयक व्यवसाय, आता है जैसे आपका, मैं कह रहा था कि आपको मानव भूगोल और मानव भूगोल के अंदर जो उपशाखाएं हैं, उपशाखाओं में सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, ये जो है मैंने आपको निकाली हुई हैं उपशाखाएं। क्या निकाली बेटा? उपशाखाएं मानव भूगोल की, है ना? तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल, जर्मनी से आते हैं। इनकी पुस्तक का नाम कई बार बोर्ड के अंदर जो है ये प्रश्न आया हुआ है। पुस्तक का नाम आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा कि फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कई बार प्रश्न को थोड़ा घुमा देता है एग्जामर। कैसे घुमा देता है? कि सीधा ही पुस्तक का जो नाम है उसी से प्रश्न को स्टार्ट कर देता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी कृति है या किसकी रचना है या इसके रचयिता कौन है, तो आंसर वही रहेगा, फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल, ठीक है? अच्छा, भूगोल की दूसरी शाखा है बेटा भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल की भी आपको, यहाँ मैंने आपको बताया था पहले भी कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? जैसे मानव भूगोल के जनक कौन निकाले थे आपने? फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल, ठीक है जी। ऐसे ही भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोसिडोनियस। कौन है? पोसिडोनियस। अच्छा जी, आगे मैंने आपको बताया था बेटा कि भौतिक भूगोल के अंदर स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल के अलावा जलमंडल, जलमंडल के साथ साथ बराबर वायुमंडल, और साथ में याद रखना बेटा यहाँ जैव मंडल। कौन सा मंडल? जैव मंडल। इन सारी चीज़ों का कहें तो इनको केंद्र में रखा जाता है, क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। समझ में आ गया? तो भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, इन सभी का बारी बारी से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो आपका भौतिक भूगोल की जो है उपशाखाएं और हमें निकालनी है साथ में, है ना? तो भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल की बराबर यहां हमें निकालनी है उपशाखाएं। क्या निकालनी है? उपशाखाएं। जैसे आपने यहां भी निकाला था ना कि भाई मानव भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, तो ऐसे ही अपन यहां निकाल रहे हैं कि भौतिक भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है? देखिए बेटा, पहला भौतिक भूगोल के अंदर पहली उपशाखा आती है भू आकृतिक विज्ञान। कौन सी आती है? भू आकृतिक विज्ञान, यानी कि धरातल की बनावट कैसी है, धरातल का स्वरूप कैसा है, भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है जी। इसके अलावा अगली उपशाखा आती है, इसका नाम है समुद्र विज्ञान। अगली विज्ञान का नाम है समुद्र विज्ञान। उसके बाद आगे चलें तो उपशाखा निकल के आती है मौसम विज्ञान। कौन सी आती है भाई? मौसम विज्ञान। उसके बाद में अगली उपशाखा निकालें तो निकल के आती है जलवायु विज्ञान, ठीक है जी। कौन सी आती है? जलवायु विज्ञान, ठीक है। उसके अलावा आगे चलें तो आगे आता है हिमानी विज्ञान। इसके अलावा इसी के अंदर एक और अपन उपशाखा निकालें तो बनता है मृदा भूगोल। कौन सा बनता है? मृदा भूगोल जी। काफ़ी हैं आपके लिए, इतनी सारी काफ़ी हैं, इतना ही याद रख लेना बस, ठीक है? तो क्या क्या उपशाखाएं निकाली? भौतिक भूगोल की उपशाखाएं बराबर भू आकृतिक विज्ञान, और प्रत्येक उपशाखा के अंदर अलग अलग तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे भू आकृतिक विज्ञान, धरातल का बनावट कैसा है, धरातल का बनावट कैसा का मतलब कि धरातल का बनावट या धरातल का स्वरूप सर्वत्र कैसा है? असमान है। समझ में आ गया? यानी कि सर्वत्र समान नहीं है, असमान है। क्यों? क्योंकि कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं झीलें इत्यादि, धरातल का स्वरूप कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। समुद्र विज्ञान, समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान, जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। अलग अलग चीज़ों का अध्ययन निकल के आएगा, ठीक है। हिमानी विज्ञान, बर्फ़ के बारे में कहें तो हिम पड़ती है, हिम के बारे में अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल, यानी कि मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं, उनका अध्ययन किस में किया जाता है? मृदा भूगोल में किया जाता है। तो उपशाखाओं में भी हर चीज़ का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, और अलग अलग क्या निकल के आ रही है हमारे पास में? उपशाखाएँ निकल कर आ रही हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए
जो भी टॉपिक आज आपने यहाँ क्लास के अंदर पढ़ाए हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, वीडियो जब आपका पहला चल रहा था बीच में, तो मैंने आपको कहा था कि नोटबुक और पेन आप अपने साथ में रखना है। जो भी चीज़ें आपको मैं यहाँ ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाने जा रहा हूँ या जो भी पढ़ा दिया गया आपको, इन सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना है। जैसे भी आपको नोट्स बनाना आता है वैसे आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भूगोल विषय की दो शाखाएं मैंने आपको बताई, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, और मानव भूगोल की उपशाखाएं ये निकल के आती हैं और भौतिक भूगोल की उपशाखाएं ये निकल के आती हैं, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ आज जो आपको मैंने आप क्लास में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया, इसको आप बारी बारी से घर पर पढ़ेंगे और थोड़ा इनको पढ़ने का समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। से अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है बेटा आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है, मैंने बताया था ना आपको भूगोल विषय में आपको कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और एक आपका जो है भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था। तो इससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ाने जाएंगे बेटा क्लास के अंदर, तो उसमें जो है आपको भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जो आपका सेकंड पार्ट है, जो आपकी सेकंड किताब है, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है, उसका पहला चैप्टर का नाम मैं आपको आज ही बता देता हूँ स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या वो लेसन को स्टार्ट करने से पहले। उसका लेसन का नाम है बेटा भारत के लोग अर्थव्यवस्था, या भारत का जनघनत्व, भारत का घनत्व, भारत की वृद्धि, और कहे तो बेटा भारत की अर्थव्यवस्था, ये जो है आपका पहले लेसन का नाम है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।